अरे मोनिका, क्या कर रही हो? क्या देख रही हो? वो प्रभु जी जन्माष्टमी आने वाली है ना, लास्ट ईयर की जन्माष्टमी का वीडियो देख रही थी। अरे वाह, जन्माष्टमी से पिछले साल की इस्कॉन बिलासपुर की जन्माष्टमी याद आ जाती है। नहीं, कितना सुंदर भगवान का दर्शन था। महाअभिषेक, लैम्प ऑफरिंग, 56 भोग, भजन, कीर्तन, ड्रामा, कल्चरल प्रोग्राम, कितनी सारी एक्टिविटीज थी। हाँ प्रभु जी, इसीलिए तो कहते हैं आनंद से भरपूर इस्कॉन बिलासपुर। आपको पता है प्रोग्राम में टोटल कितने लोग रहे होंगे? भीड़ तो बहुत थी, पता ही नहीं चला कब शाम के 4 बजे से रात के 1 बज गए। मेरे हिसाब से 5-1 हजार लोग रहे होंगे। प्रभु जी 8 हजार से ज्यादा लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया, जिसमें लगभग 800 लोगों ने महाअभिषेक किया। सबने बहुत धूमधाम से और भक्ति भाव से जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। तो करे भी क्यों नहीं, जब हमारे घर में हमारे बच्चों का बर्थडे होता है तो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। तो कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वाकर्षक हैं, सभी कारणों के कारण हैं, उनका आविर्भाव दिवस है, तो इसे तो बहुत ग्रैंड लेवल पे हमें मनाना चाहिए। इसे सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, या कह सकते हैं पूरी सृष्टि में ही मनाया जाता है। पर जैसे हमारा जन्म होता है, भगवान वैसे नहीं जन्म लेते। भगवान अपनी स्वेच्छा से धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, और हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्म फलों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। देवकी और वसुदेव की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और कंस जैसे राक्षसों का वध करने के लिए आध्यात्मिक धाम से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का निर्णय किया। इसे ही तो हम जन्माष्टमी कहते हैं। हरे कृष्णा, ये आपके लिए। हरे कृष्णा प्रभुजी, थैंक यू। अभी जस्ट कुछ समय पहले हम जन्माष्टमी के बारे में ही बात कर रहे थे प्रभुजी। जैसे हर साल हम लोग बिलासपुर में ये जन्माष्टमी मनाते हैं, तो इस बार भी बहुत भव्य रूप से इस बार ग्रैंड लोटस तिफरा बिलासपुर में जन्माष्टमी हम धूमधाम से मना रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मतलब जो भगवान के जन्म और कार्य को समझते हैं वो बहुत यशस्वी है। और प्रभुपाद जी के विशेष कृपा है कि बिलासपुर के सब वासियों को ये आमंत्रण है, तो आप सब लोग कृपा करके आइए और इसका पूरा लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु जी, हम लोग जरूर आएंगे और इसे मेरे लिए सुबह लेके जाए। कृष्णा हमारे हैं, वो सबसे प्यारे हैं, आनंद से भरपूर इस्कॉन बिलासपुर। तो पिछली साल की तरह ही इस साल भी इस्कॉन बिलासपुर की तरफ से 26 अगस्त को ग्रैंड लोटस तिफरा बिलासपुर में जन्माष्टमी का एक भव्य आयोजन रखा गया है। तो आप सभी आइए और एक दिव्य सुख का अनुभव करिए। ध्यान रखिएगा, 26 अगस्त दिन सोमवार मनाइए हमारे साथ जन्माष्टमी का त्योहार। हरे कृष्णा।